जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूँ, ठीक है? मैंने आपकी बात मानी, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पर जनरल साहब होता है क्या, हिंदू विरोध के आधार पर आपने पाकिस्तान ले लिया, लेकिन अब पाकिस्तान आपस में ही कटमर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? इसके पीछे जनरल साहब क्या लॉजिक है? और वही है कश्मीर में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो एक पवित्र मंदिर में हुआ है, जो इन्होंने आग लगाई है, वहां पर डिस्ट्रॉय किया है, तबाह किया है, ये बहुत शर्मनाक और बर्दाश्त के बाहर वाली बात है। ये जो हमारे तीनों पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, इनको अपने स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि वो इस बात के लिए शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए दीपक जी, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले 50 साल में 408 टेंपल्स को इन्होंने इसी प्रकार से बर्बाद किया है, जहां उसको बिल्कुल चेंज किया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सोच क्या है। और ये जो हुआ है मंदिर में, ये जो मौलवी ने फतवा दिया है, उकसाया है भीड़ को और जाकर वहां पर तोड़फोड़ की है, इसके पीछे में इनकी सोची हुई नियत है, ये उनकी नियत और नीति है, उसमें खोट है। और बड़ी बात यह है कि ये पुलिस कहां थी, एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? एक्चुअली जो मौलवी ने करवाया है, ये एक प्लान्ड अफेयर है और ये चलता ही रहा है। धर्म परिवर्तन और इस प्रकार जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर में एक्सेसिव करना, ये इनका एक तरीका बन गया है। ये जो हेट और वायलेंस के बीज बो रहे हैं, इनको मालूम नहीं है इन्होंने अपने पूरे राष्ट्र को, अपनी पूरी पाकिस्तान की जनता को कितना बड़ा धोखा दिया है। इन्होंने अपने समाज को ही तबाह किया है। मैं तो कहूंगा कि देखिए, ये जो इसके पीछे में जो ISI है, इसके पीछे में जो मौलवी है, इसके पीछे में जो पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, ये अपने ही देश को तबाह कर रहे हैं। ये जो आग मंदिर में लगाई है, ये आग इन्होंने एक्चुअली अपने देश को लगाई है, इन्होंने अपने समाज को लगाई है। ये देखिए, अभी नए साल में अभी हम एंटर हुए हैं, इनको सोचना चाहिए कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। जिस प्रकार से इनकी टेररिज्म, झूठ, डिनायबिलिटी, चाइना के साथ में नापाक गठबंधन चल रहा है, और ये अपने पूरे देश को, पूरे समाज को जिस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ, अपने आप से अपने घर को आग लगा रहे हैं। और तीनों जो बुद्धिजीवी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपका क्या रोल है, आपका समाज में क्या रोल है? क्या आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं? और देखिए, अभी इतनी जड़ें उसकी गहरी हो गई हैं, ये अपने आप से हमको बता रहे हैं। अभी तो जो स्थिति बन रही है आने वाले समय में, उसमें POK, गिलगित बाल्टिस्तान तो अवश्य ही भारत में आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर में इनके अत्याचार बढ़ रहे हैं, इनके सामने ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मेरी इनको एक बात है कि अपनी माइनॉरिटी को और ये समझते नहीं है। आस्था और धर्म क्या चीज है।